सफाई को लेकर शासन हुआ अलग। गाँव के विकास के लिए दिख रहा है सफाई का असर। रेवी मलकपुर के ग्राम प्रधान विकास शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के तहत गांव की सभी गलियों में सफाई कराई गई और कचरे को ट्राली व जेबीसी के माध्यम से निकाला गया। वहीं ग्राम प्रधान विकास शर्मा ने कहा है कि सरकारी स्कूल की साफ सफाई अच्छी तरह से की और स्कूल का दोबारा से अच्छी तरह से निर्माण करवाया। आइए देखते हैं कि विकास शर्मा क्या कहते हैं। नमस्कार, एसटी न्यूज लाइव चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सोनू धीमान जो कि गांव रेडी मलकपुर के जो प्रधान जी हैं विकास शर्मा जी, उनके गांव में मौजूद है। उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया है सफाई को लेकर। उनसे जानेंगे कि जो सफाई अभियान को लेकर उन्होंने अपनी सोच बनाई है, एक एजेंडा बनाया है, उसको लेकर उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, जैसे कि सफाई अभियान आपने चलाया है, ये कब से आप चला रहे हैं और बस उसको थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा ये सफाई अभियान में थोड़ा डी एम साहब का आदेश से ज़्यादा जोर पकड़ गया, तो हमने जेसीबी मशीन लगा रखी इसमें, तो मजदूर लग रहे काफ़ी। हमारा मुद्दा ये है कि जितने गांव में कुंडी हैं, ये जितनी गंदगी पड़ी, ये सारी उठाएगा गाँव से बाहर गई। जैसे कि आपने सफाई को लेकर एक अहम मुद्दा बनाया, अपनी सोच से बनाया या आपको प्रेशर से? नहीं, प्रेशर कुछ नहीं आया, तो प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा है जो हमने ली। सफाई बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इससे बीमारी बहुत कम होगी और उससे साफ रहेगा गांव की, स्वच्छ रहेगा, बहुत बढ़िया सुंदरता रहेगी गांव के लिए, अच्छा रहेगा। जो कि ये कार्य कर रहे हैं, मैं अपने जो कैमरामैन जी हैं जो सहयोगी उनसे कहूँगा कि एक बार कैमरा है उधर दिखाएं, और जो कि वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी दिखाया जाए कि कैमरा किस तरह से प्रधान जी ने जो आपने कार्य किया है, एक अच्छी सोच लेकर जो प्रधान जी कार्य कर रहे हैं, उसी के चलते जो ये कार्य हो रहा है। हमारे यहाँ से 175 शौचालय बन गए, करीब सारे कंप्लीट हैं, सब चालू है। ओडीएफ में आ गया आपके गाँव में? जी, ओडीएफ में ओडीएफ तो लगभग हो चुका है। ओडीएफ में आपके प्रोग्राम तो भी नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम करवाऊंगे, जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाऊंगे, बुलाकर उन्हें गाँव में दिखाऊंगा जो जो हमने काम किया, उस पर एक बार अधिकारी की नज़र जरूर कर लेंगे। एक अहम मुद्दा रहता है पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा को लेकर आपने इसके प्रति क्या कार्य किया अपने? बच्चों की शिक्षा के लिए हमारा स्कूल था बिल्कुल खंडर, तो हमने वो स्कूल अपना बढ़िया डेवलपमेंट किया, उसका सीसी डलवाई, उसमें इंटरलॉकिंग, बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच, शौचालय बढ़िया बनवाए, उसकी चार दीवारी करवाई, उसके बाद हमने गेट लगवाया अच्छा सा, और हमने अपना प्रयास करके अपना जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय वो हमने इंग्लिश मीडियम करवाया। आपने जो स्कूल अपना इंग्लिश मीडियम हो दिया है। प्रधान जी, एक सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि आपका जो मिड डे मील खाने को लेकर बहुत चर्चित में है, ताकि गांव अपना सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मान लीजिए, आपके यहाँ पे क्या व्यवस्था है खाने की? तो हमारे यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया फर्स्ट क्लास वो सब्जी, बढ़िया शुद्ध बिल्कुल तरीके से बनाते हैं, उसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं खाने के लिए, बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। चलिए, मेरे सहयोगी सुनिधान का सब्जी होगा, तो लगभग आपका जो